ये जैसे उर्वा ने कहा ये तो आप लोग बताएंगे, ये पब्लिक करती है डिसाइड। अगर लोगों को हमारी फिल्म पसंद आई ज्यादा तो लोग वो देखेंगे। और बाबे पंगड़ा पांडे, वो सुहेल साहब से कल भी बात हो रही थी मेरी, उनसे कल मुलाकात हुई, वो भी एक बहुत अच्छी एंटरटेनर थी। हमारी तो इंडिया से कोई प्रोडक्शन नहीं है, हमारी तो एक प्रॉपर पाकिस्तानी मूवी है और सारी आधी से ज्यादा शूट हुई है ननकाना साहब में, तो इधर की मिट्टी की खुशबू है उसमें। तो आप देखिएगा, जब आप देखेंगे उसमें कोई चीज़ भी बैरूनी नजर नहीं आएगी आपको, वो बहुत ही हमारी स्टोरी है। यहाँ जो नॉर्मल फैमिली, एक गांव की फैमिली होती है, उसकी स्टोरी है। तो कंपटीशन तो लोग डिसाइड करते हैं, हम लोगों का तो काम है बस बना के आप लोगों के सामने पेश कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब आप लोग देख के बताएंगे कि कैसा रहा है, अपनी तो पूरी मेहनत डाल दी। जी जी ये तो मैं कहूँगी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है कि इतनी सारी फिल्में लोग देखने आ रहे हैं, और अच्छा लगता है देख के कि सिनेमाघरों में इतना रश है। तो ये देखिए, ये तो ऑडियंस के हाथ में होता है, हमने तो अपना प्रोडक्ट बना दिया, अब आप लोग, ये डिसीजन होता ही ऑडियंस का है, तो अब फिल्म आप लोगों के हवाले, आप लोगों ने सारे डिसीजन करने हैं, हमने नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें ये सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी सिनेमा में बहुत सारी मूवीज अच्छी लग रही है, वरना हमें तो यही फुटबॉल होता कि मूवी नहीं बन रही। तो दो मूवीज एक वक्त में लगना, आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि जब चार पांच लग जाती हैं तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन दो मूवीज हैं हमारी लिए पूरी ब्याव और नेक तमन्नाएं जरार के साथ भी हैं, लोग वो भी देखें, हमारी भी देखें, अल्लाह करे दोनों मूवीज बहुत अच्छा बिजनेस करें। जी आपने देखा होगा अभी वो पिछली प्रमोशन में थी, तो इसका मतलब है कि वो रास्ते में की वजह से आ गया। मैं इस सवाल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको मेरी बड़ी पसंद आएगी, आपका जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है। और सोनिया इस वक्त भी ऑन द वे हैं, बट हम और वेट नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी आपको बहुत इंतजार कराया, वो रास्ते में शायद पहुंच जाए इस दौरान या ना पहुंच सके। ठीक है, हम इकट्ठे ही एंटर होते, बट वो नहीं नहीं जी ऐसा नहीं। आप लोग अपने आप लोगों के साथ क्या पब्लिसिटी सर? जी 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 ये टिच ही है जी, ये टिच बटन है, और ये सब हमारी फैमिली भी टिच है, और ये हमारी पंजाब भी टिच है, और सब जितनी भी फैमिलीज है उनको देख के उससे वैल्यू अपनी जो है ना उनसे रिलेट करेंगे। टिच बटन ये हमारी पूरी टीम ही टिच है, आप देखेंगे। ठाकुर साहब यार एग्जाम बड़ा अच्छा लगा तेरा ये सवाल यार। अब असल में फिल्म मेकिंग के काम ही ऐसा कि ये पूरी टीम के साथ होता है, और मेरे लिए एक्चुअली ये बड़ी खुशी की बात है कि मैंने खुद शान की फिल्म जितनी ज़्यादा देखी है, चाहे वो गन्स एंड रोजेज हो, मेरे तो ईद की ट्रीट होती थी अब्बा की तरफ से कि पहला शो देखना जाके, सो मैं एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ जरार भी बहुत अच्छा बिजनेस करे और टिच भी करे। सानों की वही आपस से गल्ला करी जा रहे ने करन दो। सही बात है। ये मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ आके बैठूं और इरफान साहब से बहुत अच्छा जैन साहब आपका सवाल था, ये पायरेसी एक ऐसी चीज़ है जिससे इसको हम सब फेस करते हैं हर फिल्म पे। तो हमने एक कंपनी हायर की है जो हॉलीवुड में भी हायर होती है, एंटी पायरेसी कंपनी, वो मैंने लंदन में जाऊंगा के टाइम पे भी कर ली थी बिकॉज प्रिंट बाहर आ रहा था। तो तकरीबन 75,000 लिंक्स हमने रिमूव किए थे, आप अंदाज़ा लगा लें इस एक्सटेंट का सारी दुनिया में फैल जाता है। तो इसमें भी हमने वही कंपनी हायर की है फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जी। और आप लोगों पर एक सेकेंड, आप लोगों पर भी आप लोग अगर लोगों को इस तरफ माइल करें
कि इस तरह फिल्म बैठ के उसके वो बनाना और ये इस तरह पायरेसी करना, आप लोग भी हमारा साथ दें, सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं सबके लिए। मौला जट की भी बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग ये कहेंगे तो अवेंचुअली लोग छोड़ ही देंगे ये करना, क्योंकि मौला जट की भी काफ़ी लिंक्स मैंने देखे, तो इतने सारे पैसे, इतनी सारी मेहनत लगती है, तो बात गलत है। हमारी फिल्म के लिए नहीं, किसी के लिए भी, जरार के लिए हो, मौला जट हो, कोई भी हो, तो आई होप हमारी कॉम ना करे, और वैसे हमारी कम होती है, इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, हमारा फिर भी कम होता है। जी जी, प्रीमियर होगा इस तरह, टाइटैनिक के बाद तो कोई मूवी ना आती, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी थी, तो हर मूवी की अपनी जगह है। लेजेंड ऑफ मौला जट हमारा फख्र है, उन्होंने जैसे पूरी दुनिया में बिजनेस किया है, पाकिस्तानी मूवीज़ के दरवाजे खोले हैं, हम सबको फख्र है पाकिस्तानी होने के नाते उस फिल्म पे। लेकिन जैसे इरफान साहब ने बोला, जरार और टच बटन भी बहुत डिफरेंट किस्म की फिल्में हैं। जैसे अगर हमारी कोई दो फिल्में एक जैसी लगती तो हमें बहुत परेशानी होती कि अब लोग, एक एक्शन फिल्म हो और एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा म्यूजिक ये हो, तो जिसने जो देखनी है, मुझे लगता है लोग दोनों देखें और दोनों इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, नहीं नहीं आप सवाल पूछें, मैं बिल्कुल बताती हूँ। जी जी, वो मैं नहीं, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ नहीं, माइक ऑन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत एक्साइटमेंट है। और वही बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अब मेरा जो काम था, जिसको एनर्जी चाहिए थी, वो मैंने पूरा करके, एक छोटी सी जान है, उन्होंने मूवी बना ली है, उसको कुछ नहीं किसी उन्होंने एक्साइटमेंट भी दिखाए मेरी एक्साइटमेंट बहुत है, लेकिन जाहिर है कि जब एक प्रोजेक्ट रिलीज हो रहा होता है तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि जाहिर है कि ऑडियंस के लिए बनाया होता है, तो उन्हीं के फीडबैक से ही आपको पता चलता है कि क्या अच्छा है, क्या कैसा है, आगे कैसी चीज़ें बनानी है। नहीं, आपको ठीक नहीं लग रहा, आपको गलत फहमी हो रही है, आपको गलत लग रहा है, आपको गलत लग रहा है। अच्छा, आप लोगों ने वैसे फिल्म के ट्रेलर देखे हैं, गाने देखे हैं, आप लोगों को अच्छे लगे हैं, प्लीज़ ये बताएं। बहुत शुक्रिया। सो इस वाली बात पर आते हैं, जो एक पंजाब की फिल्म है, जो उसके रंग है, जो उसका कल्चर है, जो इस फिल्म के अंदर आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी भी पहली फिल्म है और फरहान है, उर्वा है, हमने जिस तरह से कोशिश की है एक चीज़ को अचीव करने की, उसमें आपको वो जो पंजाबी गाने और वो जो रंग, वो जो हमारी मिट्टी की खुशबू, जो फरहान ने भी बोला है, तो इंशाल्लाह आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, फ़ाइज़ा इफ्तखार ने फिल्म लिखी है, उससे पहले हमने आंगन किया है, प्रेम गली किया है, तो फ़ाइज़ा की वो जो हमारी जो फैमिली के नॉर्म्स हैं, जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो फिल्म में आपको देखने को मिलेंगी, वो उसी तरह की फैमिली फिल्म ही होगी, पाकिस्तानी ऑफ़ कोर्स।